एम कॉम फाइनल ए बी एस टी के स्टूडेंट्स के लिए मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कंपलसरी पेपर आई एफ आर एस के अंतर्गत आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आई एफ आर एस नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न डिस्कस करूँगी मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर सबसे पहले स्टूडेंट आई एफ आर एस नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका बैकग्राउंड क्या है आई एफ आर एस नाइन इंट्रोड्यूस अ सिंगल क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट मॉडल फॉर फाइनेंशियल असेट्स डिपेंड ऑन बोथ द एंटाइटीज बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल असेट्स द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स आई एफ आर एस नाइन जो है वह इंट्रोड्यूस हुआ एक सिंगल क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट मॉडल के लिए फाइनेंशियल असेट्स के लिए जो कि दो बातों पे डिपेंड करता है पहला मैंने क्या बोला द एनटाइटीज बिजनेस मॉडल जो है ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल असेट्स एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स IFRS 9 removes the requirement to separate amended derivative from financial assets host contract if instant required a hybrid contract to be classified in its entirety at either amortized cost or fair value. Separation of amended derivative has been retained for financial liabilities subject to criteria being met. अब हम बात करते हैं इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड मेज़रमेंट दो बातें हैं किसकी फाइनेंशियल असेट्स की और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की रिकॉग्नाइजेशन इनिशियल कब होगा व्हेन द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इनिशियल मेज़रमेंट इनिशियल मेज़रमेंट किस चीज का फाइनेंशियल असेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी का एट फेयर वैल्यू प्लस For those financial assets and liabilities not classified at fair value through profit or loss, directly attributable transaction cost. Now, these two fair value and directly attributable transaction cost. Kya hai. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an order. ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट मेजरमेंट डेट के दिन और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ट्रांजेक्शन कोस्ट इंक्रीमेंटल कोस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन इशू और डिस्पोजेबल ऑफ़ फाइनेंशियल असेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज तो स्टूडेंट इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो मेज़रमेंट दोनों बताया all financial instrument are initially recognized or measured at fair value plus minus in the case of financial assets or financial liability not at fair value through profit and loss transaction cost or ifrs 9 जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नेक्स्ट जो आपका टॉपिक ले रही हूँ IFRS 9 divide all financial assets that are currently in the scope of IAS 39 into two classifications those measured at amortized cost and those measured at fair value. Where assets are measured at fair value, gains and losses are either recognized entirely in profit or loss, that is, fair value through profit and loss, or recognized in other comprehensive. इनकम तो फाइनेंशियल एसेट्स सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट तो स्टूडेंट फाइनेंशियल असेट्स आर क्लासीफाइड एज आईदर तीन तरीके से उसको क्लासीफाइड करेंगे पहला है अमोटाइज कॉस्ट दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जिसके की मैंने आपको दिया है फाइनेंशियल असेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहसि फाइनेंशियल मेजर्ड एट एमोटाइज कोस्ट फिर जो हम ये ले रहे हैं कि एमोटाइज कोस्ट में भी बिजनेस मॉडल असेसमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो असेसमेंट तो कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बोथ ऑफ द बिलो कंडीशन मस्ट बी मीट क्या कि बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव Financial assets held in order to collect contractual cash flows, contractual cash flows characteristics slowly payments of principal and the principal amount outstanding or subsequent measurement amortized scores using the effective interest method. So student business model assessment jo hai wo based on the overall business, not instrument by instrument, centers on. Whether financial assets are held to collect contractual cash flow. That means how the entity is run and the objective of the business model as determined by KMP. KMP ka full form ke? key management personnel. Financial assets do not have to be held to contractual maturity in order to be deemed to be held to collect contractual cash flows. But the overall approach must be consistent with. Hold to collect. So IFRS 9 contact, contain various illustrative examples in the application of both the Conconcedo model, business model assessment, or contractual cash flow characteristics. A contractual cash flow assessment based on instrument by instrument basis, financial assets with cash flow that are slowly payments of principal. And interest slowly payment of principal and interest go SPPI on the principal amount outstanding. Interest is consideration for only the time value of money and credit risk. Forex financial assets assessment made in the denomination currency that is FX movements are not taken into account. Now the fair value through profit and loss category classification criteria. और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सेम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में मैंने अभी आपको बताया एस पी पी आई स्लोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्टर स्टिक टेस्ट और एनटी टी होल्स द इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल द फाइनेंशियल असेट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू विथ ऑल गेन्स एंड लॉसेज रिकोगनाइज इन अदर कॉम्प्रीहसि और चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर नॉट सबसेंटली रिसाइकल्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस ये तो मैंने आपको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का बताया था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अवेलेबल ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विद इन द स्कोप ऑफ आई एफ आर एस नाइन दैट आर नॉट हेल्प फॉर ट्रेडिंग और सबसिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू विथ ऑल गेन्स एंड लॉस रिकोगनाइज इन अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर नॉट सबसिक्वेंटली रिसाइकल्ड टू प्रॉफिट और लॉस डिविडेंड आर रिकोगनाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस तो स्टूडेंट ऑफ जो ये फाइनेंशियल असेट्स था थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आप लोगों ने अभी मैंने आपको पूरा बताया थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद आगे यदि हम देखते हैं इसी में थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले में ही This is the normal default classification for financial assets, will apply to all financial assets unless they are de designate designated to be measured and accounted for in any other way. Financial assets at fair value through other comprehensive income. This classification applies to equity instrument only and must be designated up. ऑन इनिशियल रिकोगनाइजेशन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मेजर्ड एट अमोटाइज कोस्ट दिस क्लासिफिकेशन कैल अप्लाई ओनली टू डेप्ड इंस्ट्रूमेंट एंड मस्ट बी डेजिग्नेटेड अपॉन इनिशियल रिकॉगनाइजेशन दिस क्लासीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायर्ड एनुअल रिव्यू फॉर इविडेंस ऑफ पॉसिबल इम्पेयरमेंट एंड if there is evident there must be an impairment review any impairment identified must be charged to profit and loss in full immediately so there is in uh, ifrs 9 has also reduced the degree of discretion for classification and accounting treatment of financial assets which should support consistent reporting of financial information relating to financial assets

और आज का इस पूरे वीडियो का स्टूडेंट जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स जो आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है इसको और नेक्स्ट वीडियो में मैं आई एफ आर एस नाइन को आगे आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी थैंक यू